ओके सो वेलकम एंड सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज के सेशन पे तो आज का सेशन हमने रखा है टॉपिक है स्ट्रगल एंड स्ट्रगल संघर्ष और सबको अपने अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ संघर्ष करने को मिलता है पहले मुझे वो मूवीज बहुत पसंद आती थी यू नो पुरानी मूवी देख लो uh, कोई नई मूवी देख लो हर एक में संघर्ष का अपना ही एक रोल रहता है Uh, हर एक के प्रति संघर्ष जैसे कि वो एक मूवी बनी थी मैं हूं ना अब उसमें सोल्जर है है वो देश के लिए के लिए लिए संघर्ष करता प्रेम नहीं होता, तो आधी तो मूवीज नहीं बनती बिकॉज हर चीज के अंदर वो अमीर लड़का और गरीब लड़की और अमीर लड़की और गरीब लड़का वगैरह वगैरह का संघर्ष चालू ही रहता है ये पूरी की पूरी बात सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जो है अपने संघर्ष को बहुत ज्यादा हीरो uh, हीरो का रोल देते हैं अगर हमने कहीं पे भी जिंदगी में संघर्ष किया है तो जब हमसे हमसे लोग पूछते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे तो आप सबसे पहले अपने सारे संघर्षों की दास्तान उनको सुनाते हैं कि मैं जब छोटा था तो ये भी नहीं था फिर मेरे माँ बाप के पास ये भी नहीं था और फिर उसके बाद मैंने अपने बलबूते पे और खूब लड़ झगड़ के संघर्ष करके और तुम्हें क्या पता कि जीवन क्या होता है जीवन तो मैंने देखा है सड़क पे धक्के मैंने खाए हैं तो मैं हंसती हूँ क्योंकि संघर्ष जो है वो करना क्यों जरूरी है आपको अपनी सक्सेस के लिए आपको ऊंचा होने के लिए बड़ा होने के लिए संघर्ष करना क्यों जरूरी है पहले तो इसी बात के ऊपर प्रश्न अगर आप बड़े घर में पैदा हुए हैं और आपने उसी घर को और बड़ा बनाया अपनी जायदाद को अपने रिलेशंस को अगर आपने और बड़ा बनाया तो उसमें कहानी आपकी कहाँ छोटी रह जाती है कहाँ से उसके अंदर कुछ मिसिंग हो जाता है कि आपको अपना संघर्ष दिखलाना जरूरी हो जाता है तो इन सब का जवाब सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने संघर्ष को अपने मन के अंदर बाहर कोई है नहीं वापस से हम वहीं पे आ जाते हैं कि हमने संघर्ष को अपने ही मन के अंदर एक बहुत भारी प्रोग्राम बना रखा है बहुत भारी प्रोग्राम कि अगर संघर्ष नहीं हुआ हर चीज के अंदर सुनते हैं माँ बाप कहते हैं मेहनत नहीं करोगे तो बड़े नहीं बनोगे नहीं नहीं ऐसा ये माँ बाप नहीं कहते हैं ये आपका प्रोग्राम है जो कि माँ बाप के थ्रू आपको सुनने को मिलता है सब लोग माँ बाप ने ये बोला माँ बाप जो है वो मात्र एक्टर्स आपके माँ बाप ने आपको जो बोला वो आपके लिए सुनना जरूरी था और क्यों आपके लिए सुनना जरूरी था क्योंकि वही आपकी एनर्जी के घड़े में भरा हुआ है और उसी को अनुभव करने के लिए उसी की अनुभूति लेने के लिए आप यहाँ पे आए हैं आप मेहनत पे मेहनत करते रहो जब तक कि आपका प्रयत्न जो है वो सफल ना हो जाए तब तक आप मेहनत पे मेहनत करते रहो और मैं उस चीज के एकदम विरुद्ध हूँ मैं आपके मेहनत करने पे विरुद्ध नहीं हूँ लेकिन ये जो आपका प्रोग्राम है आपने अंदर ये जो अपने धारणा बना रखी है कि मेहनत की वजह से कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति सफल होता, होता है।, है। अगर मेहनत की वजह से वो आदमी सफल होता तो सबसे ज्यादा सफल जो है वो जो सड़क पे ठेला गाड़ी चलाता है वो इतना बोझा उठाता है और इतनी मेहनत करता है तो सबसे ज्यादा सफल जो है वो वह व्यक्ति होता लेकिन वो सफल नहीं है वो सफल नहीं है और आप जो हैं आपने उससे आधी मेहनत ही की होगी भले ही लेकिन आप यहाँ पे आराम से कमरे में बैठे हुए हैं और ये मेरी सैटरडे को गप्पे सुन रहे हैं तो आप काफी हद तक सफल हैं तो मेहनत जो है वो हमको एक जगह तक लेके जाती है लेकिन जो बाकी चीजें हमें लेके जाती हैं वो कहाँ से आती हैं वो आती हैं हमारे घड़े से ये मेहनत जो भी है वो भी हमारे घड़े से आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि मेहनत जो है वो इतनी जरूरी नहीं है लेकिन अपने घड़े में देख जाना कि आप कहाँ से आप मेहनत के बारे में क्या सोचते हैं आप परिश्रम के बारे में क्या सोचते हैं आप अपनी सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपने अपने जो कुछ भी आपको हासिल हुआ है उसको जब आप उसकी कहानी सुनाते हैं मैं मैं दोषी हूं क्योंकि जब भी मुझसे लोग पूछते हैं कि यू you नो know, तुम तुमने लाइफ में क्या क्या देखा तो वो जो तीन चार जगह जहां पे मैंने स्ट्रगल किया मैं सबसे पहले उन्हीं की कहानी सुनाती हूँ और फिर सुनाती हूँ अपने बाप की कहानी मेरे बाप ने कितना स्ट्रगल किया वो एक गरीब इंसान था वो गरीब से कहां तक पहुंचा तो मैं सुनाती हूँ सबको वो कहानी तो क्या कर रहे हैं हम हम अपने दिमाग में कोई और नहीं है हम अपने दिमाग में अपने ही स्ट्रगल्स को एकदम ऊंचा दर्जा दे रहे हैं जो चीज हमको बहुत मेहनत के बाद जीत तोड़ मेहनत के बाद बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद मिली उस चीज की कीमत हम ज्यादा आंकते हैं और हमको माँ बाप भी दिन रात यही हमारे प्रोग्राम के बारे में बोलते हैं क्या बोलते हैं कि अरे तुम लोग आराम से बैठे हो जब तुम जाओगे और मेहनत करोगे तब पता चलेगा कि पैसे कितने मुश्किल से बनते हैं घर में रोजी रोटी कितने मुश्किल से चलती है आप अगर अपने बच्चों को ये बतलाते हैं कि रोजी रोटी कितने मुश्किल से चलती है और जब तुम बाहर निकलोगे तब तुम्हें पैसे की कीमत पता चलेगी तो मैं सबसे पहले तो आप ही को बोलूंगी कि काम तो आप पे आ गया ये जो आपने मन में पैसे की इतनी कीमत आंक रखी है उस कीमत को ही आज गिरा दीजिए क्यों क्योंकि यहीं पे आप अटके हुए हैं और आपके पास पैसे नहीं बन रहे हैं क्योंकि आपके मन में ये धारणा है कि बहुत मेहनत करने के बाद ही पैसे बनेंगे तो जो अगर आपने ये सोच रखा हुआ तो वो आपकी पूरी की पूरी जीवन के अंदर बार 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 खेलता जाएगा और आपकी ये जो धारणा है ये आपके ही मन में और से और घर करती जाएगी ये जो आपका बिलीफ है ये और ज्यादा बड़े से बड़ा होता जाएगा क्यों क्योंकि हमारी धारणाएं ऐसे ही बनती हैं। और फिर जिस धारणा पे हम तूल दे, दे जिसको हम पकड़ के बैठ जाएं, जिसको हम मान लें कि सच्चा तो वो ही सच्ची हो जाती है हमारी जो एनर्जी है वो ऐसे ही काम करती है आप जो है आप मात्र ऊर्जा हैं आप ना तो देशवासी हैं ना आप अपने जो कुटुंबवासी हैं आपका घर परिवार आप कुछ नहीं है सब कुछ जो है वो एनर्जी है है पूरा पूरा की पूरा आपका जो संसार है, वो एनर्जी से ही बनता है और एनर्जी से ही चलता चला जाता है तो अगर आपने अपने आप को संघर्ष में इतना ढाल रखा है कि आप किसी के प्रति रोज रोज संघर्ष कर रहे हैं तो देखिए कि आप अपने से कहां कहां पे संघर्ष कर रहे हैं तो फिर क्या क्या कोई देश की सीमा की हिफाजत नहीं करेगा तो मेरी वर्कशॉप के अंदर बहुत सारे यू नो सोल्जर्स आते हैं पीपल हु आर इन द आर्मी पीपल हु आर इन द नेवी जो नेवी में है आर्मी में है वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बात सुन के तो फिर हम लड़ना छोड़ देंगे मैंने कहा नहीं मेरी बात सुन के तुम और ज्यादा अच्छे सोल्जर हो जाओगे मेरी बात सुन के तुम और ज्यादा अच्छे तरीके से जो कोई भी तुमने काम चुना है तुम उसको ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे क्योंकि उस वक्त पे तुम बिना संघर्ष के एंड फ्लो तुम बहते हुए अपने सारे काम करोगे जो काम है तुम सैनिक हो तो तुम्हारा कोई काम है तुम व्यापारी हो तो तुम्हारा कोई काम है जो संघर्ष है वो जो जो भी आपका काम है उसको नहीं देखता वो तो आपने अपने मन में और आपने मन से और इतने करोड़ों जन्म ले लेके अपनी एनर्जी के अंदर इकट्ठा किया हुआ है तो वो उसको आप जब निकाल फेंकोगे कि स्ट्रगल जो है वो है ही नहीं तो सामने से क्या होगा जो आपका आगे का काम है जो कुछ भी है जो कोई व्यवसाय आप करते हैं व्यवसाय का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है सिर्फ आपके अंदर जो धारणाएं बनी हुई हैं आपके संघर्ष को लेके पैसे को लेके सिर्फ उन्हीं सब का अर्थ रह जाता है तो आप उसको देखना शुरू कर देंगे तो आपका जो भी रास्ता है, जो कुछ भी आपको करने दिया जा रहा है आप वो कर पाएंगे क्यों क्योंकि वो जो हाथ से कर्म हो रहा है उसका मायने नहीं है वो कर्म किस भाव से हो रहा है सारा मायने उसी के अंदर पड़ा हुआ है आपने जो चुना है आपकी एनर्जी ने आपकी ऊर्जा ने आपके हाथ से जो करवाना चुना है अगर आप ग्रहणी हैं और उसके लिए यही चुना है उसके अंदर भी अलग अलग तरीके के संघर्ष होते हैं और जो आपके संघर्ष है वो आप ही जानती हैं, कोई और नहीं जानता लेकिन संघर्ष जो है वो संघर्ष ही है बहुत लोग अन्याय से लड़ते हैं अब आप जब भी लड़ने के लिए संघर्ष को करेंगे तो सामने से अन्याय तो खड़ा होगा ही ना नहीं तो आप लड़ेंगे किससे जब भी मेरे पास कोई भी एनजीओ वाले लोग आते हैं और बोलते हैं कि अच्छा आप आके और हमको हमको सिखलाओ कुछ भी हमको बतलाओ तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि तुमने एनजीओ ये जो शुरू किया ये एनजीओ शुरू ही तुमने कहाँ से किया 99 नाइन प्रतिशत लोग मेरे को सिर्फ यही कहते हैं कि नहीं जो सोसाइटी के अंदर इतना अन्याय हो रहा है जो इतनी इतनी गलत चीजें हो रही है हमने उन सब से लड़ने के लिए अपना एनजीओ शुरू किया तो मैं कहती हूँ पहले तो अपने भाव मात्र को देख जाओ कि कहां पे कौन गलत जहाँ पे तुम समझ रहे हो कि वो आदमी गलत और ये आदमी तो शोषित ये तो शोषण करने वाला और ये व्यक्ति शोषित तो वहीं पे तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि हर एक शिव हर एक शिव कैसे हर एक शिव कहाँ पे हर एक की जो ऊर्जा है जहां से सब कुछ बनके तैयार हो रहा है वही तो हमारा शिव है वही तो हमारा ईश है वही तो हमारी पूरी की पूरी सृष्टि का कर्ता है। है, जो हमारा शिव है, वो बाहर उस मूर्ति में नहीं है हमारा शिव जो है वो हमारे इस एनर्जी के घड़े में है और ये जो एनर्जी का घड़ा है उसमें अगर उसने शोषित पार्ट देखने का वो अनुभूति लेने का वो अनुभव लेने का अगर उसने ठानी है तो तुम उसको उस अनुभव से दूर कर ही नहीं सकते लेकिन हाँ कोई व्यक्ति है जो अनुभव लेके उसी ने ने उस शिव ही सोचा होगा कि मैं पहले तो ये अनुभव लूंगा और उसके बाद कोई दूसरा तो वो जो दूसरा अनुभव लेने के लिए तुम्हारे पास आया है वही व्यक्ति अपने शिव के हिसाब से अपनी ऊर्जा के हिसाब से तुम्हारे पास आया है तुम कोई नहीं मात्र एक मीडियम तुम एक माध्यम हो जिससे कि उस शिव को उसके अनुभव मिल जाए और तुम अपने लिए एक माध्यम हो सबके घर में एक एक कहानी चल रही है और सबको एक एक रोल और कई बार बहुत सारे रोल्स मिले हुए हैं हर एक की महाभारत के अंदर हमने कोई ना कोई रोल उठा रखा है लेकिन हमारी महाभारत कौन सी हमारी महाभारत का सृजन हमारी ऊर्जा से तो उसके अंदर या तो हम कृष्ण और या हम अर्जुन अर्जुन को बहुत संघर्ष करना पड़ा खुद से और बाहर से उसकी पूरी जो जीवनी थी संघर्ष की ही थी उसको बहुत संघर्ष करना पड़ा और कृष्ण जो थे उन्होंने कहीं संघर्ष नहीं किया उनको पूरी की पूरी यात्रा नजर आ रही थी और वो दूसरों को बताने के लिए उस वक्त पे मौजूद थे कि हाँ भाई तू भी खुद को ही देख ले बाहर कुछ नहीं रखा हर तेरे संघर्ष के अंदर तेरे को खुद को ही देखना है मैं इतनी कहानियों को बीच बीच में पिरोती चली जाती हूँ जो मेरे को ऊपर से आता है वो मैं बोलती चली जाती हूँ लेकिन हर कहानी के अंदर सिर्फ एक ही चीज कि संघर्ष क्या आपने क्यों संघर्ष को इतना ऊंचा दर्जा दे रखा है जो आप संघर्ष को छोड़ दें आपके सामने जो शत्रु हैं आपके दिमाग में जितने भी शत्रु हैं हो सकता है कि सोसाइटी शत्रु है हो सकता है देश शत्रु है कोई देश शत्रु है कोई और आदमी शत्रु है कोई पॉलिटिशियन शत्रु है जो कुछ भी आपने अपने आप के लिए शत्रु नाम का दे रखा है जिसको ये दर्जा दे रखा है जरूरी नहीं है कि आप उसको जानते हो जानना किसी भी चीज का जरूरी नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो हो कहा रही है यहाँ पे आपके विचारों के थ्रू जो आप चार दिन बैठ के ये सोचें कि कितना ही बुरा हो रहा है किसी ने कितना ही बुरा किया उसके साथ कितना ही बुरा हुआ उसको पता चले ना चले आपके विचारों के अंदर आपके भाव उत्पन्न हो रहे हैं आपकी भावनाएं जो हैं वो और घर कर रही हैं कि ओहो यहां पे कितना अन्याय होता है पृथ्वी पर कितना अन्याय है 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 हर एक शिव जो है, वो खुद की अनुभूति लेने के लिए आया है, लेकिन आपका जो मन यूं उथल पुथल हो जाता है कोई अन्याय देख के उसके लिए आप अपनी हायर अंडरस्टैंडिंग की ये जो दिल के अंदर से जो आवाज होती है ना कि यहाँ के अंदर से जो विचार होते हैं आप इसकी आवाज को सुनिए आपको हमेशा अंदर ही जाने को मिलेगा तो क्या बाहर जो पूरी की पूरी पृथ्वी है पूरे के ऊपर अन्याय होने बंद हो जाएंगे शायद नहीं क्योंकि जो भी शिव हैं वो अपना कुछ ना कुछ करने के लिए आए हैं लेकिन क्या आप उनके महाभारत के अंदर अर्जुन बन के हर चीज से लड़ाई करना छोड़ देंगे शायद हाँ क्योंकि उस वक्त आपको अपने कृष्ण जो रूप है आप में वो आपको नजर आने लगेगा और वो जवाब जो आएगा वो उस ऊर्जा में से आएगा कोई आपको बोलेगा कि आप गरीब घर में पैदा होना पसंद करोगे या अमीर घर में तो आप साफ बोल दो कि नहीं नहीं कौन बेवकूफ होगा जो कि गरीब घर में पैदा होना पसंद करेगा तो हमको तो अमीर घर में पैदा होना पसंद है हाँ लेकिन अमीरी के प्रति तो आपके जो विचार हैं वो तो अलग हैं और जो संघर्ष के प्रति आपके विचार हैं उनको तो आपने पूजनीय बना रखा है तो अगर आप उन विचारों की पूजा कर रहे हैं आपकी एनर्जी के अंदर भरा क्या है आपकी ऊर्जा के अंदर भरे हैं संघर्ष के प्रति बहुत से सारे उच्च विचार तो आज मैं कहती हूं कि तोड़ दो तोड़ेंगे कैसे तो आप अपने अंदर बैठेंगे और देखेंगे कि जो आपके दिन में होता है तो आप कहाँ कहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं अपने काम के प्रति अपने व्यवसाय के प्रति अपने अपने पैसों के प्रति अपने घर वालों के प्रति आप दो लोगों में कहाँ पे संघर्ष चल रहा है तो ये बोलने की बजाय कि आपको अन्याय से लड़ने की ताकत दो मत मांगो ताकत अन्याय से लड़ने की ताकत मत मांगो क्योंकि जब ताकत मांगते हो तो साथ में लड़ने के लिए सामने किसी को खड़ा होना ही पड़ेगा और मैं कहती हूं कि ना तो लड़ना मांगो और ना ताकत मांगो बस सामने से अपने लिए मांगो प्रेम जो अपने लिए प्रेम मांगो कि, कि हर हर स्थिति में मैं खुद से प्रेम कर पाऊ हर स्थिति में मैं आज पैसे बना रहा हूं तो बहुत अच्छा प्रेम ही प्रेम मेरे को खुद के लिए और जो कुछ नहीं बना रहा हूँ और खाली बैठा हूं तो भी खुद के लिए बहुत सारा प्रेम आई एम ऑसम मैं अंग्रेजी में एक ये सबको बताती हूँ आई एम ऑसम माला ही जपनी है तो आई एम ऑसम मैं सर्वश्रेष्ठ मैं सर्वोपरि, इसकी माला जपो और जो मैं सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि, तो सब कुछ मेरे पास खुद के खुद चलता ही चला आएगा मैं किस बात के लिए संघर्ष करूं मेरे सामने कौन जो कि मुझसे संघर्ष करे वहां पे क्या होगा आपका नजरिया जब खुद के प्रति प्रेम की तरफ बदलेगा तो आप देखेंगे सामने जो भी आके खड़ा हो आप उसको बिना किसी जजमेंट के बिना किसी आंकने के उसको देख पाएंगे ये आपका जो जजमेंट है अपने प्रति वो जब कम होगा तो दूसरे के प्रति अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा ये ऐसे ही चलता है क्यों क्योंकि सामने तो कोई है ही नहीं सामने सिर्फ आप और आपके मिरर आपके दर्पण आपके अक्स को दिखलाने के लिए तो कोई दूसरा है नहीं जिसको आप जज करो कोई दूसरा है नहीं जिससे आप लड़ाई करो सारी लड़ाई आपकी खुद के प्रति ही है कोई और है नहीं और आपने अगर कर लिया पहले स्ट्रगल अब अगर आपकी उम्र हो गई साठ और आपने ऑलरेडी लाइफ में स्ट्रगल कर लिया तो जाओ और वहां पे पुराने सारे की सारे जो आपके साथ जो घटनाएं हुई जहां पे आपको स्ट्रगल करना पड़ा वहां पर जाकर और अपने आप को जो कि आपका यंगर सेल्फ है आप जब छोटे थे और आपने अपने स्ट्रगल के जब दिन देखे तो उन दिनों को जाकर उसकी एनर्जी को बदलो उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करो कि आपको अपने संघर्ष जो थे वो उस वक्त करने पड़े वो वक्त गया वो बात गई अब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ आपके सामने आराम से आसानी से बनता चला जाएगा लेकिन फिर भी क्यों नहीं होता कई बार क्योंकि हमने अपने घड़े के अंदर अपने संघर्षों को लेके बहुत सारे विचार जो पहले बना लिए वो निकले ही नहीं वहां से इसलिए मेरा एक वीडियो है कि डीपर रिलीज कैसे करते हैं डीपर रिलीज का मतलब कि जो कुछ भी आपके साथ घटनाएं पहले हो सकी हो चुकी हैं उन घटनाओं पे जाके और वहां की एनर्जी को कैसे बदलें क्योंकि जो एनर्जी है ना वो आपके साथ ही चलती है समय बीत गया लेकिन वो एनर्जी नहीं बदलती एनर्जी जो है वो टाइम में नहीं खेलती वो जगह पे नहीं खेलती टाइम एंड स्पेस उसमें एनर्जी नहीं खेलती है जो आपने पुरानी एनर्जी के अंदर अपने बना रखे हैं विचार अपनी भावनाएं अपनी धारणाएं उनको आपको जा जा के और तीन चार जगह से तोड़ना पड़ेगा जहां पर भी आपको बहुत भारी अनुभव हुआ स्ट्रगल का संघर्ष का वहां पर आप जाइए और उस प्रोग्राम को तोड़िए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खुद के साथ जो संघर्ष है वो तो अपने आप को बेहतर करने का वो हमारा खुद के साथ पूरे टाइम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि मैं अभी अच्छी नहीं हूं या अच्छा नहीं हूं और मुझे और बेहतर होना है तो ये हमारा सबसे मेन अपने आप को खुद से कंपैरिजन हम पूरे टाइम अपने लिए गोल सेटअप करते हैं कि वहां तक पहुंचना है हम गरीब हैं हमको इस लेवल तक पहुंचना है इस लेवल ऑफ अमीरी तक पहुंचना है तो जब हम ये सब करते हैं तो क्या कर रहे हैं हम खुद के साथ ही खुद के लिए संघर्ष को क्रिएट कर रहे हैं कि और प्रयत्न और कोशिश आज हमारा काम इतना अच्छा नहीं हुआ हम थोड़ा और कोशिश करेंगे और उसके बाद हम और बेहतर बनेंगे हमको बेहतर बाहर नहीं बनना है कि मैं चार प्रोग्राम और कर लूंगी और मैं चार कलाएं और सीख लूंगी तो मैं ज्यादा बेहतर हो जाऊंगी हमको अपने खुद के अंदर शिव को जो ऑलरेडी है उसको एक्सेप्ट करना है यस यस प्लीज दिस इज़ अ वेरी नाइस टॉपिक चाहिए नॉट दी ओनली वे बट काफी आसान तरीका है तो बहुत सारी है मतलब ऐसे ऐसा नहीं हर एक के लिए लेकिन मैं तो मतलब जो है शुक्र गुजारी तो मेरा फेवरेट आंसर फॉर एवरीथिंग है hmm. अगर तुम शुक्राना में आ जाओ तो उसके ऊपर कुछ बचता नहीं है जो संघर्ष था जो आपको मेहनत जतन और प्रयत्न और कोशिश और चेष्टा तो इतने पॉजिटिव वर्ड है मेहनत को इतना पॉजिटिव बोला जाता है हाँ तुम्हारी एनर्जी को जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए तो इस वजह से तुम और उसको पूजनीय बनाते हो ताकि तुम और उसको एक्सपीरियंस कर सको रहा देखो ग्रेटिट्यूड जो है ना वो जाके पुराने अपने सारे के सारे प्रयत्नों को भी देना है कि तुम्हारी वजह से ये जितना भी अनुभूति होना था मुझे अनुभव होना था वो हो गया अब इसकी बजाय अब मैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ मतलब यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया स्ट्रगल और यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे फ्लो बहाव हर चीज के साथ बहना तो बहने के लिए तो ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि नहीं तो हम बह ही नहीं सकते जो हम बहना शुरू करेंगे और रास्ते में कोई थोड़ी सी अड़चन आई और सारा की सारा दिमाग उसी में लग जाता था कि ये क्यों हुआ इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ इसको ऐसे करूं उसको फोन करूं यहाँ पे जाके ये बोलूं इसको ठीक करूं तो फिर हमने क्या किया इमिजिएटली अपने लिए स्ट्रगल के दस और तरीके खड़े कर लिए जो हो रहा है उसको देखने का है और देखने के अंदर तो बहुत जल्दी शुक्राना आ जाता है क्योंकि जहाँ पे कुछ सिखलाने के लिए कोई आया है तो उसको सिवाय शुक्रगुजारी के और देंगे ही क्या तो इसलिए हम शुक्रगुजार अगर होना सीख लें तो पूरे के पूरे हमारे यही नहीं मैं जितनी भी चीजें हमारे जजमेंट गिर जाएंगे हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी हमारे अटैचमेंट गिर जाएंगे हमारे डर गिर जाएंगे क्या क्या नहीं गिरेगा जो हम शुक्राना में आ जाएं तो शुक्राना तो बेस्ट टॉपिक लेकिन क्या होता है मैं यहाँ पे जब बात कर रही थी कि मान लो कि 25 साल पहले कोई हमने बहुत स्ट्रगल किया तो उसके बाद हम उसको ना बहुत हीरो दर्जा दे देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ और हमने ये कर दिया मैं बहुत कहानियां सुनाती हूँ इस बारे में अपने अपने खुद के बारे में कि मैंने ऐसे स्ट्रगल किया और अब मैं सुनाती हूँ बहुत मस्ती में आके क्योंकि एक एक, एक वक्त ऐसा आया जब मैंने कुछ बोला और किसी ने एकदम उसके विपरीत कर दिया और उससे मेरे को भारी नुकसान हो गया मेरा ही कोई काम था तो उन्होंने जब वो कर दिया और बताया नहीं मुझे फिर फाइनली जब आके बताया तब तक मेरा भारी नुकसान हो चुका था। क्योंकि पहले तो मैं अपने लिए बैठ जाती हूँ कि अच्छा ये जो नुकसान वर्ड है उससे मुझे क्या सीखना बाकी रहता है और ये जो इसने मेरे लिए किया ये जो कुछ भी इस, ये जो घटना घटित हुई इसमें से मेरा क्या सीखना बाकी रहता है तो जब मैं सीखने के लिए बैठी तो बात से बात निकली बात से बात निकली और मणि ने मुझे बोला मणि मेरे गुरु जिनको नहीं पता तो मणि ने मुझे बोला कि तुम सारी उन पुरानी घटनाओं पे जाओ जहाँ पे कि तुमने लड़ाई लड़ी थी तुमने लड़ाई लड़ी और तुम विजय तुम को प्राप्त हुई वो लड़ाइयां लड़ने से तो मेरे जीवन में दो तीन बार ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिसके अंदर मैं बहुत ही एक छोटी सी ऑफिसर थी और उसके बाद मैं लड़ी सेक्शुअल हरासमेंट के लिए अपने ऑफिस में जहाँ पे मैं काम कर रही थी और मेरे को इमिडियटली डिमोशन कर दिया फिर डिमोशन कर दिया पर मैंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी और मेरा जो बॉस था वो बहुत भारी इंफ्लुएंशियल आदमी था तो मैं लड़ाई लड़ती लड़ाई लड़ती रही जब तक कि उसको सजा नहीं मिली तब तक मैं लड़ाई लड़ती रही तो वहाँ पे भयंकर विजयी होने का सेलिब्रेशन वगैरह वगैरह वो सब हुआ मेरे साथ ऐसे ही दो तीन जगह और भी हुआ तो मणि ने मुझे बोला जाओ और वहां पे हर जगह जाके ना एनर्जी क्लियर करो तो मैंने कहा कि ऊर्जा में क्या अभी क्लियरिंग रह गई वो तो बहुत अच्छी चीजें हुई कि मैं हर जगह जहां जहां मैंने लड़ाई ली वहां पे मैं जीती तो बोले हाँ ऐसी को क्योंकि तुमको जिताने के लिए हमको तुम्हारे अगेंस्ट किसी ना किसी को खड़ा करना पड़ा तुमको जीत जीत से तुमको जो खुशी मिली उसके लिए हमको तुम्हारे अगेंस्ट कोई ना कोई जो सृष्टि है उसको तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारे लिए दुश्मन खड़े करने पड़े अब तुम जीत की छोड़ो और हार की छोड़ो और जो है संभाव में बहो। तो वो जो मेरे लिए, सीख थी कि हम अपने आप के लिए जब हमको, अच्छा हमको जहाँ पे बुरा फील हो रहा है वो तो चीजें हम बहुत आसानी से हमसे निकल जाती है हमको रिलीज कर पाते हैं लेकिन कहीं जगह पे जहाँ पे हमको बहुत अच्छा फील हुआ है तो वहां पे हमारी जो जजमेंट है उसको भी हमको देख जाना है और उस सब को भी रिलीज कर देना है तो मेरे अंदर वो जो विद्रोह की भावना थी रही होंगी मैं कभी वो वाला किसान जिसको विद्रोह करना था तो बेचारे किसी ना किसी जमींदार को खड़ा होना पड़ा मेरे विरुद्ध ताकि विद्रोह हो, हो सके तो आज मैं कहती हूँ कि विद्रोह को संघर्ष को इन सब को छोड़ दो भले ही तुम जीतो या हारो तुम तो उसी के साथ बह चलो कि आप ये तीन लाइनें मैं मीनल से एनर्जी लेती हूँ मैं मीनल की एनर्जी हूँ मैं मीनल हूँ आप ये तीन लाइनें बार बार अपने आप को शांति में बोलिए और उसके बाद जो कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए जो आपको जवाब चाहिए वो इस एनर्जी में आकर और पूछिए तो अपने आप से सृष्टि और या फिर मेरे जो गुरु हैं मणि वो आके और आपको जवाब देंगे कैसे जवाब देंगे आप ही को कोई विचार आएगा और हो सकता है वो विचार आपको बार बार भी आता हो लेकिन इस बार जब आएगा तो आप समझ जाइए कि वो जो जवाब है वो आ रहा है गाइड से आप ही के अंदर जो गुरुत्व की जो ऊर्जा है जैसे आपके अंदर ये संघर्ष की ऊर्जा है आप ही के अंदर आपके गुस्से की ऊर्जा है उसी तरीके से आप ही में अपने खुद के गुरुत्व की ऊर्जा है उस ऊर्जा को दर्शाने के लिए कोई ना कोई आपके सामने एक्टर आता चला जाता है जैसे इस वक्त अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं वो एक्टर जो कि आप ही के गुरु जो ऊर्जा है आपके अंदर उसको मैं आपके लिए बाहर निकाल के आपको दिखला रही हूँ तो सभी रो, सभी लोग कोई ना कोई रोल ले लेते हैं पर हाँ अगर आप चलो ऊर्जा में शुक्रगुजारी की तो सारे के सारे रोल जो है वो बदलते चले जाते हैं मनदीप आई आंसर योर क्वेश्चन यस थैंक यू वंडरफुल बिकॉज ना कहानियां मेरी ना लंबी से लंबी होती चली जाती हैं फिर उसके बाद मेरे को लगता है कि वो मैंने उसने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दिया कि नहीं पर प्लीज सेंड मी योर मोबाइल नंबर मेरे हर वेबिनार uh, के एंड में जब आप कोई भी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें मेरा मोबाइल नंबर रहता है नाइन आप YouTube पे जाएंगे जो मेरा चैनल है एम पी एफ वाई माई प्रेयर फॉर यू का पहला पहला अक्षर एम पी एफ वाई वहां पे जाएंगे आपको ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे और उसके अंदर हर एक में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा चलिए जी ओके तो आ, तो अब लंबी सांस लेते हुए और एकदम शांत भाव और अपने दो तीन उंगलियाँ लेके और अपने माथे पर यहाँ पे ऐसे टैप करिए और टैप करके मैं मीनल हूँ मैं मीनल से एनर्जी लेती हूँ लेता हूँ मैं मीनल हूँ मैं मीनल से एनर्जी लेता हूँ मैं मीनल की एनर्जी में हूँ और दो तीन मिनट के दो तीन मिनट नहीं दो तीन बार में ही जाने दीजिए हाथ वापस से अपनी जगह पर एकदम शांति मैं मीनल की एनर्जी में हूं मैं मीनल से एनर्जी लेता हूँ मैं मीनल हूँ और इस वक्त जैसे ही आप लंबी सांस छोड़ेंगे तो आप अपना दृष्टाभाव उस जगह पे लेके जाइए जहाँ पे आपने सबसे ज्यादा संघर्ष किया हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप रही हो हो सकता है आपने कुछ मांगा हो हो सकता है आपको कुछ मिल भी गया हो लेकिन संघर्ष के बाद और आज इस वक्त वहां पर मीनल की एनर्जी को लेके जाइए उस विचार पर मीनल की एनर्जी को लेके जाइए मीनल की ऊर्जा को और उस विचार को खाली कर दीजिए देखिए कि वो अपने घड़े से निकल रही है उसको बाहर जाता हुआ देखिए आज आप अप अपनी ऊर्जा का घड़ा देखिए उस ऊर्जा के घड़े में जहां जहां पे संघर्ष लिखा है उसे देखिए और जाने दीजिए जहां जहां पर संघर्ष लिखा है सब कुछ बस बहते हुए बहते हुए ऊर्जा जो नई आ रही है आपके शरीर में आप उसको महसूस करिए उस पूरी ऊर्जा की तरंग को उसके वाइब्रेशन को महसूस करिए अपने पुराने घड़े को फट जाने दीजिए फट जाने दीजिए अभी हम घड़े में सीमित नहीं घड़ा समुद्र में जाके मिल गया एक बहुत ही प्यारे समंदर की कल्पना करिए उसकी तरंगे उसका बहाव उसकी शांति अपनी आंखों में एक समंदर का चित्र लेके आइए ये समंदर आप हैं लहरें हैं लेकिन लहरों में संघर्ष नहीं है सिर्फ मस्ती है शांति है मस्ती है पत्थर से टकराती है लेकिन मस्ती में ये समंदर आप हैं अपने इस समंदर होने को महसूस करिए अपने पूरे शरीर में इस मस्ती को पूरे समंदर की मस्ती को लेकर आइए सिर्फ खेल पूरा खेल आपके शरीर के साथ एकदम मस्त ये समंदर सिर्फ खेल ये समंदर आप ये समंदर इन शब्दों को अपने अंदर पूरे तरीके से बस जाने दीजिए मैं समंदर मैं भीतर मैं ही बाहर मैं समंदर मैं भीतर मैं ही बाहर और ये मीनल की ऊर्जा आपको जहां पे भी शरीर में लेके जानी हो जैसे समंदर के गोते आपको जहां लगाने हो आप ही लगा लीजिए सिर्फ मस्ती है आज सिर्फ मस्ती है एक लंबी सांस बाहर और जब आपका दिल करे आप आंखें खोल लीजिए मैं समंदर भीतर भी बाहर भी ये बहुत ही फनी मेडिटेशन होते हुए एकदम मस्ती की मेडिटेशन कितनी ही क्यूट मेडिटेशन मैंने ऐसी मेडिटेशन तो कभी सुनी ही नहीं <laughs> शब्द यही आ रहे थे मतलब ना मुझे हंसी आ रही थी मेडिटेशन में आते हुए पूरे टाइम जैसे ही मैं बोलू समंदर मुझे हंसी आ रही थी तो आज तो पूरी मस्ती की मेडिटेशन थी है। और तो क्या ही था मैंने ऐसा फनी मेडिटेशन ना तो कभी किया है और ना कभी करवाया है करवाना तो खैर मुझे आता ही नहीं था यहाँ पे बैठती हूँ तो दो मिनट के लिए हो जाता है लेकिन बहुत ही, मस्त। ही मैंने कहा अरे कौन रिलैक्स करेगा इससे कोई अच्छे से ऐसे शांति वाले वर्ड दो आ, आ, आ. तो आज तो पूरे टाइम मेरी आंखों के आगे ऐसे समंदर थपेड़े मार रहा था एकदम मस्ती में और हंसता हुआ और अटखेलियां करता हुआ तो आई एम श्योर कि आप सब लोगों को भी वहां तक पहुंचा दिया होगा इस एनर्जी ने इस फ्रीक्वेंसी ने तो हम अगले सैटरडे फिर से मिलेंगे लेकिन आप लोगों को देखते हुए लगता है कि हाँ आज शाम को हम फिर मिलेंगे कईयों को हम फिर से मिलेंगे संघर्ष विद इन ओनली ऑफकोर्स सारे के सारे संघर्ष प्रोग्राम्स अंदर ही होते हैं और उसके बाद बाहर किसी को आना पड़ता है जब वो प्रोग्राम्स और बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं तो फिर किसी ना किसी को आना होता है हमको वो और प्रोग्राम्स दिखाने के लिए एंड नाउ यू हैव नोन अ वे टू क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ जहाँ आपने पुराने संघर्ष किए और आपने उनको बहुत ऊंचा uh, दर्जा दिया तो उस ऊंचे दर्जे को ही हटा दीजिए और जहाँ पे सब कुछ कोई चीज़ आपको बहुत ही आसानी से मिल गई तो वहां पे अपना ध्यान डाल दीजिए ऑल राइट पीपल लॉट्स ऑफ लव अगले सैटरडे मिलते हैं Thank you so much. Lots of love to you. Okay. Bye bye.